हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा आज का ब्लॉग कि मेरे यहाँ कैसे भजन हुआ और बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था। तो ये देखिए आरती वगैरह सब यहाँ पे हो चुकी है, सब लोग जा भी चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सब लोग थे और अभी घर खाली हो चुका है। तो यहाँ पे बाकी मेरा अभी मतलब मैं दिखाती हूँ कि किचन की क्या हालत है, लेकिन मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ ना, आज जैसे कि मेरे यहाँ भजन था, आप लोगों ने देखा ही कि सब लोग आए हुए थे। तो एक आंटी थी, वो ऐसी बात होने लगी तो वो बोली कि अगर अखंड ज्योत, मतलब उनको बड़ा जैसा गिल्ट फील हो रहा था, एक कहते कि गिल्ट फील हो रहा था उनको कि मतलब मेरा अखंड ज्योत तो ऐसे बातों में हुआ कि पूछ गया और मैंने मतलब दिया नहीं जलाया था। मतलब वो क्या था ना कि वो घी डाल रही थी दिए में और उन्होंने ऐसे ही अखंड ज्योत है और घी दिया में ऐसे डालने को सोची कि मैं ऐसे डाल दूँ ऊपर से, तो वो मतलब घी ऐसा गिरा कि उनका दिया बुझ गया। और अगर जैसे बाती खींचनी होती है तो ये तो आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे हम अखंड ज्योत जलाते हैं और जब बाती हमको बदलनी होती है, मतलब बाती को बढ़ाना है या जो है बाती में फूल बहुत आ जाते हैं तो उसको फूल को हटाना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक कोई भी छोटा सा दिया ले लीजिए, चाहे दिया ये जो मिट्टी का दिया आता है उसमें ही आप वो कर लीजिए कि थोड़ा सा घी डाल के रख लीजिए, वो अखंड ज्योत का प्रतिरूप हम मानेंगे उसको कि वो अखंड ज्योत का प्रतिरूप है। और जो ये अखंड ज्योत हमारी जल रही है ना, उसी से उसी से मतलब किसी, जैसे ये माचिस की तीली का पीछे का भाग है तो इससे ही जला के हम उस दीप को जलाएंगे और माता रानी से क्षमा मांगेंगे अगर मतलब ये दीप पहली बार तो बुझे ना तो बहुत अच्छा है, अगर मान लीजिए बाई चांस बुझता है तो उसके लिए हम ये प्रतिरूप बना के रखते हैं कि उसी से, अगर मान लीजिए वो बुझ गया तो आप उसी से जो आपने दिया प्रज्वलित किया था उसी से जला के उस दिए को प्रज्वलित कर देंगे, तो मतलब वो गलती माफ़ हो जाती है, माता रानी वो है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे चूहा घर में रहते हैं, बहुत सारे घरों में चूहे भी होते हैं, वो दिया जल रहा है रात में तो गिरा दिए, धक्का दे दिए, तो अभी क्या करें, मन बहुत परेशान हो जाता है, मतलब अंदर से गिल्ट फील होता है क्योंकि हमने इतने प्यार से माता रानी को अपने घर पे बुलाया है, 9 दिन पूरी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो बहुत ही प्यार लगाव हो जाता है। और जब वो थोड़ा सा भी पूजा में कुछ कमी होती है ना तो मन बहुत कष्टित हो जाता है कि मतलब क्या कमी रह गई मेरी पूजा में, जो ऐसी गलती हो गई, माता रानी अब तो गुस्सा हो जाएंगी, कुछ पे क्रोध करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि देखिए जब हमसे कोई गलती होती तो हमारी क्या माता पिता जो है हमें गुस्सा हो जाते हैं, हमें दंड दे देते हैं, तो वो तो जगत जननी माता है, तो क्या वो हमसे गुस्सा होंगे, हमें वो करेंगे। और भूल मैंने हमने जानकर तो ये गलती नहीं की है कि जान के हमने दिया बुझा दिया या मतलब जैसे चूहे से गिर गया या कुछ गलती से ही हो गया, तो वो भूल से हुआ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट मत करें और मन में पूरी श्रद्धा और भावना से माता की पूजा अर्चना करते रहिए, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करिए, दिया को फिर से प्रज्वलित कर लीजिए। बस सबसे पहले जो आपको एक काम करना है वो मैं बताती हूँ कि आप माता से दिल से क्षमा याचना करिए, मतलब दिल से बोली, मतलब वो करिए कि मैया हम मतलब हमको जितना पता था हमने उस मतलब उस तरीके से आपकी पूजा अर्चना की, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो वो उस गलती को आप क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे दुर्गा सप्तशती है तो इसमें एक आप पीछे जाएंगे ना, जैसे हम लोग क्या है अध्याय तो पूरा पढ़ते हैं 13 अध्याय, तो इसमें आप नीचे बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि किसको किसको ये चीज़ पहले से पता थी, क्योंकि तो मुझे भी नहीं पता चला, आज ही पता चला मुझे भजन में कि वो आंटी मुझे पूरा बता रही थी अच्छे से, बात मतलब भजन भी हुआ, फिर हम लोग बातचीत किए थोड़ी देर, तो वो बहुत ही अच्छा मतलब पीछे लिखा हुआ है पूरा, जब लास्ट में आप जाएंगे बिल्कुल बुक के लास्ट में 3-4 पन्ने पलटे ना, वहाँ पे क्षमा प्रार्थना लिखी हुई है, उसमें पूरा विधिवत लिखा हुआ है कि माता की एक एक चीज़ की कैसे हम क्षमा मांग रहे हैं, कि मतलब हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, जो भी अपराध जो भी गलती भूल चूक हो गया है इस पूजा में आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और जैसे कि मैंने अखंड ज्योत का बताया है कि अगर भूल से पूछ जाता है तो आपको उसके लिए वही करना है कि सब माता रानी से क्षमा मांगे। और ये मतलब बिल्कुल भी आप मतलब रिस्क मत लीजिएगा कि दिया जैसे फैन चल रहा है, खिड़की दरवाजे खुले और आप दिया खोल दिए उसमें घी डालने लगे, सबसे पहले अगर आपने दिया प्रज्वलित कर किया है तो उसको ध्यान रखना, उसको संभाल कर रखना कि आपका दिया 9 दिन जले, वो आपकी जिम्मेदारी है कि हमें उसका ध्यान रखना है एकदम अच्छे से, तो मतलब भूल गलती से हो रहा है वो तो चीज़ अलग है, थोड़ी चीज कुछ चीज़ें ऐसी जो ध्यान दें कि आपको अगर दिए में तेल डालना है, बत्ती बढ़ानी है,
उसका फूल हटाना, कुछ भी करना है तो आप सबसे पहले फैन बंद करेंगे, घर के जो खिड़की दरवाजे उनको बंद करेंगे कि हवा से ना बुझ जाए आपका दिया। आपने इतने प्यार से, इतने भाव से जलाया है वो दिया, और उसके बाद फिर जब आप बाती बढ़ा तो आप एक दिया प्रज्वलित करके उनके नाम का रख लेंगे, उसके बाद बाती को बढ़ाएंगे। और वो दिया बुझाना नहीं है कि दिया वो आप तो आपने घी डाल दिया, बाती बढ़ा दी, सब कर लिया, दिया बुझा दो बाती, वो दिया वैसे ही जलता रहेगा। माता के नाम से वो दिया वैसे ही जलता रहेगा, जब उसका घी खत्म होगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, और वो दिया फिर ऐसे रहेगा। फिर जब आपको बाती बढ़ानी है, कुछ करना, फिर आप उसमें थोड़ा सा घी डालिए, बाती बढ़ाइए और फिर उसी दिए से उसको जला दीजिए। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कितने लोगों को ये बातें पहले से पता थी, क्योंकि मुझे नहीं पता थी, मुझे आज ये बातें पता चली भजन में, क्योंकि जब मतलब बहुत लोग आए थे, बहुत बुजुर्ग लोग भी आए थे, तो ऐसे बातें होने लगी। आंटी ने मुझसे जरा सा पूछा, क्योंकि पता था कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो थोड़ा सा मतलब उनको लगा कि मुझे नॉलेज होगा, लेकिन मैं बताऊँ तो मुझे नॉलेज नहीं था। वो आंटी ने खुद मुझे ये सारी बातें बताई, जो मैंने आपको क्षमा प्रार्थना की बात बताई, अखंड ज्योत की बात बताई। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी लाइक अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि कोई पॉइंट आपके लिए यूज़ में आ सकता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। हो सकता है छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होती है, तो हो सकता है आपकी आप एक शेयर करेंगे तो आपके जो फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनको एक अच्छी जानकारी मिल जाए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो और मेरे ज्वारे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे मेरे ज्वारे यहाँ पे देख सकते हैं, माता रानी कृपा, बहुत ही अच्छे ज्वारे उगे हुए हैं मेरे यहाँ पे, और ये देख सकते हैं अभी मतलब हुआ। और आज मैंने माता को छोले बनाए थे, तो मतलब भजन था तो मैंने छोले बनाए थे, और ये मैंने सुबह भोग लगाया था माता रानी को। तो और आज मतलब छठा दिन था तो मैंने ये शहद का भी भोग लगाया है माता रानी को, क्योंकि आज कात्यायनी माता को शहद पसंद है, तो आज मैंने माता रानी के लिए शहद का भोग लगाया है। तो इसके साथ ही जय माता दी, कमेंट बॉक्स में सब लोग जय माता दी जरूर लिखिएगा, प्रेम से बोलो जय माता दी।